मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार है पीएम जनमन, यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। सामाजिक न्याय जनरल बातें हुई, मोदी हिम्मत करके निकला है आदिवासी न्याय अभियान को लेकर के। आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। मैं अटल जी की सरकार थी जिसने आदिवासी समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग से बजट बनाया। हमारी सरकार के दौरान अब आदिवासी कल्याण का बजट पहले के मुकाबले 6 गुना तक बढ़ चुका है। पीएम जनमन योजना का नाम रखा है पीएम जनमन। पीएम जनमन यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके तहत अब हमारी सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया। ये वो जनजातीय समूह है, हमने कह तो दिया वो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, जिनमें से ज्यादातर अब भी जंगलों में रहने के लिए मजबूर है। उन्होंने रेल की देखने की बात छोड़ा, आवाज भी नहीं सुनी है। देश के 22,000 से ज्यादा गांवों में रह रहे ऐसे 75 जनजातियां, वो 75 जनजातीय समुदाय की, प्रिमिटिव ट्राइब्स की पहचान हमारी सरकार ने की है। जैसे पिछड़ों में भी अति पिछड़े होते हैं, वैसे ही ये आदिवासियों में भी सबसे पीछे रह गए आदिवासी है। देश में इनकी संख्या लाखों में है। इन सबसे पिछड़े आदिवासियों को मूल सुविधाएं भी नहीं मिली हैं, आजादी के 75 साल के बाद भी नहीं मिली है। इस आदिवासी समाज के लोगों को कभी पक्का मकान नहीं मिला। इनकी कई पीढ़ियां में बच्चों ने स्कूल तक देखा नहीं है। इस समाज के लोगों के कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए अब इन जनजातियों तक भारत सरकार विशेष अभियान चलाकर पहुंचने वाली है। पहले की सरकारों ने आंकड़ों को जोड़ने का काम कर लिया, जो नजदीक है, जो ऊपर पहुंच चुके हैं उन्हीं से काम करवा लेना, लेकिन मुझे सिर्फ आंकड़ों को जोड़ करके नहीं बैठना है, मुझे तो जीवन को जोड़ना है, जिंदगियों को जोड़ना है। हर जिंदगी में जान भरनी है, हर जिंदगी में नया जज्बा भरना है। इसी लक्ष्य के साथ आज पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन, हम जनगण मन तो गाते हैं, आज मैं पीएम जनमन के साथ इस महाअभियान की शुरुआत हो रही है। इस महाअभियान पर भारत सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। साथियों, इस महाअभियान के लिए मैं विशेष तौर पर आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमने अभी उनका वीडियो संदेश भी सुना है। जब वो यहां झारखंड में राज्यपाल थी और उससे पहले
जब ओडिशा में भी वो मंत्री के रूप में काम करती थी, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी, तो ऐसे आखिरी छोर पर रहने वाले आदिवासी समूहों को आगे लाने के लिए वो दिन रात प्रयास करती रहती थी। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो राष्ट्रपति भवन में ऐसे समूहों को सम्मान के साथ बुलाती रही, उनकी समस्याओं को समझ करके उसके उपाय की चर्चा करती रही। मुझे विश्वास है कि उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने हमें जो प्रेरणा दी है, उनकी इस प्रेरणा से हम ये पीएम जनमन, पीएम जनजाति, आदिवासी न्याय, आदिवासी न्याय, आदिवासी न्याय महाअभियान में जरूर सफल होंगे।